महाराष्ट्र का सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव को बीते 6 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अभी तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी का पल्ला भारी है, ऐसे में आसानी से देवेंद्र फडणवीस को वो लोग सीएम बना सकते हैं। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया है, ऐसा भी दावा किया गया है। हालांकि अभी तक जितनी भी मीटिंग हुई है वो बेनतीजा रही है। इस मामले में सबसे बड़ी मीटिंग गुरुवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई। इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों ही नेता मौजूद थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में भी बात नहीं बन सकी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पेच फंसा कहां पे है। इस मामले में कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के कई नेताओं का कहना है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं और डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे रहते हैं, ऐसे में एक ब्राह्मण सीएम होगा और उसके नीचे 2 मराठा डिप्टी सीएम। ये बात पॉलिटिकली महायुति को नुकसान कर सकती है, क्योंकि मराठा समुदाय इस बात से नाराज हो सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और ब्राह्मण समुदाय दोनों का ही अच्छा खासा वोट बैंक है, और मराठा वर्सेस ब्राह्मण को लेकर भी कई बार राजनीतिक चर्चा हो चुकी है। ऐसे में महायुति के नेता किसी भी तरह का पॉलिटिकल नुकसान नहीं चाहेंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट के नेता इसके साथ ही महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनावों को भी हवा दे रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया, अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो बीएमसी के चुनाव में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे सीधे अपने गांव सतारा जा चुके हैं। वो दिल्ली से मीटिंग के बाद अपने गांव सतारा चले गए। इस बात को एकनाथ शिंदे की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि उनकी बात नहीं मानी गई, शायद इसलिए वो नाराज हो चुके हैं। हालांकि महायुति के नेताओं का कहना है कि नाराजगी जैसी कोई भी बात नहीं है, वो सिर्फ अपने निजी काम की वजह से सतारा अपने गांव गए हुए हैं और महायुति में सारी चीजें ठीक ठाक हैं। एकनाथ शिंदे गुट के कई नेताओं ने तो ये भी दावा किया कि अमित शाह के साथ मीटिंग पूरी तरह से सफल रही है और वहां पर सिर्फ महाराष्ट्र के विकास की चर्चा होनी थी। सीएम फेस की मीटिंग के लिए महाराष्ट्र में एक बार फिर से बैठक की जाएगी। हालांकि ये बात राजनीतिक हलकों में किसी के भी गले नहीं उतर रही है। दावा यही किया जा रहा है कि महायुति के नेता सच्चाई छुपा रहे हैं। अब असल में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस ओर जाती है, सीएम फेस के लिए कौन सा चेहरा फाइनल होता है, एकनाथ शिंदे क्या महायुति में रहेंगे या महायुति गठबंधन एक बार फिर से टूटेगा, इसे लेकर चर्चा का दौर जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।